स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल दैट्स बैक वेंचर्स अकेडमी आज हम आ, एक अहम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ द इंटरप्राइज नेटवर्क कॉन्स्ट्रक्ट्स ये आपका सेकंड टॉपिक आता है फर्स्ट चैप्टर में और जो आपका सब्जेक्ट है दैट इज़ राउटिंग एंड स्विचिंग तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक बहुत ही ईजी वे में एक्सप्लेन कर रही हूँ तो सबसे पहले थोड़ा सा डिफाइन करते हैं इंटरप्राइज नेटवर्क होता क्या है इंटरप्राइज नेटवर्क का मतलब होता है जहाँ पे हम फिज़िकल वर्चुअल या लॉजिकल कनेक्टिविटी दे दें उसकी वजह से हम एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दें और वो इंफ्रास्ट्रक्चर हम क्यों बनाते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे सिस्टम को या हमारे एप्स को मदद करता है कुछ चीज़ों में जैसे उनको आपस में कम्युनिकेट करने में मदद करता है और उसकी वजह से हम इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं और थर्ड पार्ट दैट इज़ हम उससे अपनी सर्विसेज को रन कर सकते हैं या प्रोग्राम्स को रन कर सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं एनालाइज कर सकते हैं सिस्टम की परफॉर्मेंस को तो अब हम थोड़ा सा आर्किटेक्चर इसका देखते हैं ये देखिए इसमें यहाँ पर ब्रांच ऑफिसज दिखाए हैं ऑफिसज एंड यूज़र ये आपस में कनेक्ट हैं वी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की वजह से या एम वो होता है मल्टीपल प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग की वजह से भी कनेक्ट हैं ये देखिए कैसे एक यहाँ पर नेटवर्क कंस्ट्रक्ट किया गया है ठीक है अब थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं तो हम ये बता सकते हैं कि इंटरप्राइज़ नेटवर्क जो है इसकी वजह से क्या होता है ये मदद करता है इम्प्लॉयज़ और मशीन्स को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए या ये उन आ, सिस्टम्स को एक्सेस करने में मदद करता है जो कोई भी बिज़नेस ऑपरेशंस चलाते हैं अनदर हम हाँ ये बोल सकते हैं इंटरप्राइज नेटवर्क जो है ये आपस में कन्फ़िगर किए जाते हैं कन्फिगर का मतलब अरेंज क्यों बनाए जाते हैं ताकि हम लिमिटेड नंबर ऑफ अथोरइज सिस्टम्स एप्स या इंडिविजुअल्स को आपस में एक गुड वे में अटैच कर सकें आपस में कनेक्ट कर सकें या इसकी वजह से सेकेंड भी है कि हम अपने सिस्टम को सिक्योर बनाएँ अफिशेंट बनाएँ किसको कम्युनिकेशन चैनल को ताकि और हमारे बिज़नेस ऑपरेशन अच्छी तरह से हो पाएँ तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो इंटरप्राइज़ नेटवर्किंग है वो काम कैसे करता है दैट्स हाउ डज़ इंटरप्राइज नेटवर्किंग वर्क तो सबसे पहले मेन फोकस जो हमारा इंटरप्राइज नेटवर्क का था वो था कि डिफरेंट पीपल्स को हर एक पीपल को हर एक चीज़ को आपस में कनेक्ट करना ठीक है विद द हेल्प ऑफ सेंट्रलाइज डेटा सिस्टम्स और जहाँ पे डेटा सेव भी किया जाता है इन सिस्टम्स में और एप्स भी रन होती हैं हम ये भी बोल सकते हैं सेकेंड चीज़ जो है ये इसकी वजह से क्या होता था uh, हमारे जो सिस्टम्स हैं हमारे जो एक्सेस uh, हमें कैसे मिली uh, हम हम कनेक्ट करते थे यूजर्स को आपस में और डिवाइसेस को आपस में डिवाइसेस को कैसे कनेक्ट किया जाता है दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ लैन अब हर एक ऑफिस की जो लैन है ये एक दूसरे ऑफिस के साथ कनेक्ट होती है विद द हेल्प ऑफ लार्ज इंटरप्राइज दैट इज़ द वैन ठीक है वाइड एरिया नेटवर्क और ये यूजली कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है किसकी हेल्प से दैट इज़ एम एस राउट रोड्स की वजह से ठीक है दैट इज़ द मल्टीपल प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग ठीक है ये है हमारा थोड़ा सा इनका स्ट्रक्चर अब देखिए ये फिगर है हमारे यहाँ पे देखिए पब्लिक क्लाउड इंटरनेट एस एस सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस ये आपस में कनेक्ट हैं डेटा सेंटर की मदद से किस किस ब्रांच ऑफिस को कनेक्ट किया है दो ब्रांच ऑफिस को देखिए तो इस यहाँ पे हमें इंटरप्राइज नेटवर्किंग बहुत काम आता है ठीक है इंटरप्राइज़ नेटवर्किंग uh, जो है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है इसमें कुछ फिजिकल एप्लींस आते हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं या पर्सनल कंप्यूटर प्रिंटर आई ओ दैट्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स uh, उनके डिवाइस के साथ कनेक्ट होते हैं किसकी वजह से uh, कैसे कनेक्ट होते हैं थ्रो कॉम्बिनेशन ऑफ इथरनेट केबल्स या तो वाईफाई सिग्नल अब देखते हैं कुछ एप्लियंसिस जो हम यूज़ करते हैं अपने इंटरप्राइज uh, नेटवर्किंग में उनमें कौन कौन से एप्लियंसिस आते हैं पहला आता है राउटर अब हमारा जो राउटर है ये किसके लिए यूज़ होता है इट इज़ यूज टू सेंड द डेटा फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क स्विच स्विच से हमारा डेटा फॉरवर्ड होता है विद इन अ नेटवर्क टू इंडिविजुअल डिवाइसेस। फिर आता है हमारे गेट वेज क्या करते हैं कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट नेटवर्क में यूजिंग मल्टीपल प्रोटोकॉल्स अब ये इनका थोड़ा सा डायग्राम से कि राउटर स्विच और गेटवे दिखते कैसे हैं अब फोर्थ नंबर जो हमारे पास है जो हमारा अपलियंस हमारा इंटरप्राइज नेटवर्किंग में यूज़ किया जाता है दैट इज़ द फायर वॉल अब फायर वॉल का तो आपको पता है इसकी वजह से हम तमाम ट्रैफिक जो है वो इसको चेक करता है ऐसे इंटरमीडिएट एक्ट करता है और पोटेंशियल अटैक्स को ब्लॉक करता है फायर का टॉपिक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हुआ है आप डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक चेक कर सकते हैं लोड बैलेंसर्स का मतलब क्या होता है ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं नेटवर्क ट्रैफिक को डिफरेंट सर्वर्स में ताकि किसी भी डेटा सेंटर या किसी भी सर्वर पर ओवरलोड ना हो जाए अब आता है वी Servers, ये स्टाबलिश और टर्मिनेट करता है वीपीएन कनेक्शन और हमारा सिक्योर एक्सेस प्रोवाइड करता है टू द इंटरनेट इंटरनल नेटवर्क अब हमारा लास्ट पे थोड़ा सा आर्किटेक्चर देखते हैं हम इसका नेट इंटरप्राइज नेटवर्किंग का यहाँ पे देखिए ये एस ए एस ई का मतलब होता है सिक्योर एक्सेस सर्विस एच एक दूसरे के साथ कनेक्ट है इंटरनेट मोबाइल डिवाइस ब्रांच ऑफिस तो होप आपको आज का लेक्चर समझ होगा हो आ गया होगा इफ़ यू आर न्यू ऑन द चैनल देन सब्सक्राइब इट